स्त्री जा चुकी है और चंदेरी पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था कि स्त्री के जाते ही वो आएगा। कौन आएगा? हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और हाँ, आज ये रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली है, आज ये वीडियो होने वाली है एक ऐसी चीज के ऊपर जो मैं कल डिस्कस नहीं कर पाया। तो हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें थी जिसमें से एक था जो गाना है जो कि भोजपुरी एक स्टार ने गाया है, वो मतलब मजा आता है। काटी काटी रात मैंने अंधेरे में तू आई नहीं। हाँ, वो उसमें जो श्रद्धा लग रही है पूरी मूवी में, एक ऐसे कैरेक्टर को देखना जो एग्जिस्ट नहीं करता और फिर वो जब एग्जिस्ट करता है तो आँखों में बस जाता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा सिम कर लूँ दो वीडियोज़ में, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं बट सिम कर लूँ तो छोड़ो, कुछ होना है नहीं, कोई देखेगा नहीं तो ये वीडियो ही कोई नहीं देखता, तो ये क्लिप कौन नहीं देखेगा, तो उसको छोड़ दें। जो चीज़ें डिस्कस करनी है आज की मूवी में, जैसे कि अक्षय कुमार, यस द खिलाड़ी कुमार इन दिस यूनिवर्स कैमियो तुम्हें पता चल गया होगा अगर तुमने मूवी देखी, बट आगे क्या? जैसे कि हमें पता है जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर वो एक पागलखाने में, बट वो है सरकटे का वंशज। और आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि एक सरकटे की कॉन्शियसनेस एक लोटे में भरी हुई आती है और अपने वंशज के अंदर बस जाती है, जिसकी वजह से एक नया सरकटा, नहीं तो एक नया विलन जो सरकटे की जैसी पावर रखेगा वो आएगा इस यूनिवर्स में। बट क्या वो दी सरकटा बन पाएगा जो कि इसकी भी जो पुराने वाले सरकटे की है उसकी लेगेसी से ऊपर जाए, जिसकी वजह से सबको यूनाइट होना पड़ेगा, जैसे भेड़िया होगा और दिल्ली का ड्रैकुला है उस पर भी बात करते हैं, या स्त्री, दोनों क्या उन सबको आना पड़ेगा? और क्या विक्की प्लीज कहने पे विक्की वापस आएंगे? ये देखना पड़ेगा कौन सी मूवी में, ये तो एक फाइनल शोडाउन होगा उसमें ही देखने को मिलेगा। बट हाँ, कोई सोच रहा हो कि रूही कहीं एग्जिस्ट करती है, तो सॉरी माय फ्रेंड, रूही एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि विक्की एक ही जगह हो सकता है, या तो वो रूही के पास होगा या वो स्त्री के पास होगा, तो वो स्त्री चूज करेगा ऑब्वियसली, कौन श्रद्धा को चूज नहीं करेगा। ये तो जैसे बात हो गई हमारी अक्षय कुमार से रिलेटेड, अब बात करते हैं जो लास्ट सीन था, नहीं वो कच्चे वाला मुन्नी के कच्चे वाला सीन नहीं, वो नहीं भेड़िया की बात कर रहा हूँ, बट वो वाला सीन नहीं कि कच्चा तू मुन्नी का, ये नहीं, तू मुन्नी का कच्चा नहीं पहनता है। और उसके बाद वही एक वर्ल्ड फेमस जोक जो कि बहुत ज़्यादा बोला जा चुका है कि मुन्नी क्या पहनेगी ऐसा वाला। तो हाँ, इसमें पता चलता है कि दिल्ली, जिस दिल्ली में मैं रहता हूँ उसमें एक ड्रैकुला है, अगर है तो मेरे सामने बताना प्लीज, मैं छोरी बोलता हूँ, मेरे को छोड़ दो और जो आपको करना करो, मेरा खून मत चूसना, वैसे भी बहुत कम है यार, क्या फ़ायदा, दो यूनिट चूस के कुछ नहीं मिलेगा ऐसा। मैं दोस्त का नंबर दूंगा ना आपको जो फुल फिट वेट है, जिम विम भी करता हो, जॉब भी करता हो, जिसके पास बंदी भी ना हो, समझे, वो देखेगा नहीं वीडियो, बट अगर देखे तो ऐसा होता ना मिर्ची लगे वो वाला। तो हमें पता चलता है कि जो अगला सीक्वल होने वाला है भेड़िया का, जो हमारे भेड़िया है मतलब वन का कैरेक्टर, वो दिल्ली में आएगा शायद से किसी कंस्ट्रक्शन के काम से, हाँ IAS जो वो ऑफिस है उसको ठीक करा देना, अंडरग्राउंड से ऊपर बनवा दो जो भी है, ठीक है, मेटल रूक्स ज़्यादा मानने लगा, सॉरी। हाँ, तो वरुण धवन का कैरेक्टर एज अ भेड़िया वापस आएगा भेड़िया 2 में, और इस बार विलन होने वाला है एक ड्रैकुला जो कि दिल्ली में मचा रहा है अपना आतंक। कैसा आतंकी आदमी होगा और कौन बनेगा ड्रैकुला अभी तक मुझे नहीं पता है, अगर मैं अपडेट्स पढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूरी। और तीसरी चीज़, भेड़िया एक्स विक्की में कौन जीतेगा स्त्री को? तो जवाब है कोई नहीं, जो कि हमें इस पार्ट के लास्ट में पता चल गया। और मुझे एक चीज़ देख के बहुत ख़राब लगा कि जना जो है वो अपने भाई और अपने दोस्त को बराबर सपोर्ट कर रहा है, बट स्त्री, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी श्रद्धा, लिटरली तुमने वरुण के लिए अपने विक्की भाई को छोड़ दिया जिसको तुम विक्की प्लीज कहती थी, ऐसे ठीक है भाई, छोड़ दिया लौंडे के बॉडी हो तो रह ही जाता है दूसरा, चाहे वो सृष्टि का शेवियर हो चाहे स्त्री का, ऐसा ही है भाई सिस्टम, क्या करें। इसीलिए मैं तो कहता हूँ आर्यन द रक्षक ही बढ़िया था, विक्की द रक्षक को तो फेल कर दिया। तो हाँ, देखना होगा कि अब जब सारे हीरोज या सारे एंटी हीरोज वापस मिलेंगे एक तगड़ी सी फाइट के लिए, तो क्या अक्षय कुमार वो जादू बिखेर पाते हैं जो कि हमें चाहिए? तो लोगों को ये लगने लग गया कि अक्षय कुमार इतना ज़्यादा काम करते जा रहे हैं बट उनके काम में सिचुएशन आ गया है। मैं पर्सनली इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि भाई उस बंदे ने हम जैसे लोगों को, मतलब मैं जब इंस्पायर हुआ था एक्टर बनने के लिए, जो भी है जो मेरे अंदर कीड़ा सबसे पहले जगाया वो वही बंदा था। अब वो सिमिलैरिटी मान लो मेरे नाम में और अक्षय सर के नाम में,
बट मैं आज तक भी अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो जो चाइल्डहुड में चीज़ें दी हैं नहीं थी मेरे पास भाई, वो एक्शन वाला जो हेलीकॉप्टर पे लटक के वो कहीं पे भी चले जाने वाली बात थी, मैं मंकी बार पे लटक के वही सोच रहा हूँ कि मैं अक्षय कुमार बन चुका अगला, समझ लो वो कनेक्ट है, वो मैं नहीं सोच सकता कि कहीं जाएगा। एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है इस बीच में कि दो मूवीज आई हैं जिसमें अक्षय कुमार हैं, एक तो ऑफिशियली, एक में लोगों को नहीं पता है, तो जादू चाहे किसी का भी चले अक्षय कुमार का तो चल ही रहा है क्योंकि वो देखो हर प्रोजेक्ट में आ ही जाता है, तुम्हारी नज़रों से नहीं जाता ना दूर, बस और क्या चाहिए एक खिलाड़ी को, खिलाड़ी कुमार इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कशन रखते हैं, मुझे थोड़ा बातचीत दिल से दिल तक होगी, तो हाँ अगर तुमने वीडियो को थोड़ा भी इंजॉय किया हो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ इसी डिस्कशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी दिनों से दुरुस्त रहना, और आते रहना मेरे चैनल पे वापस अल्फा वाइड पे, ताकि तुम्हें और कंटेंट मिलता रहे, क्वालिटी क्वांटिटी क्वालिटी ऑब्वियसली। तो हाँ तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ श्रद्धा जी अगर आप ये देख रहे हो तो यू आर माई क्रश, ठीक है, इतना डेलिकेट क्यों हो जाता हूँ।